बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच एक चौंकाने वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जिंदगी एक बार फिर खतरे में आ गई है और उसके पीछे है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम। हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि मुनव्वर फारूकी इस गैंगस्टर के हिट लिस्ट में है। दरअसल बिश्नोई गैंग के एक शूटर का नाम मुनव्वर के साथ जुड़े कुछ घटनाक्रमों में सामने आया है, जिससे यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। ये सब तब शुरू हुआ जब मुनव्वर ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की थी। इस बयान के बाद बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुनव्वर की जान को खतरा बताते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर मुनव्वर के फ्लाइट में भी मौजूद थे। हाँ, आपने सही सुना, एक सामान्य सी फ्लाइट में कॉमेडियन के पास बैठे उस व्यक्ति का इरादा कुछ और ही था। इस पूरे मामले की जड़ दिल्ली से जुड़ी है। सितंबर में मुनव्वर एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच के सिलसिले में दिल्ली आए थे, जहां उनका मुकाबला एल्विश यादव के साथ होना था। वह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में होटल सूर्या में ठहरे थे, लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें मजबूर कर दिया कि उन्हें जान बचाकर लौटना पड़ा। 15 सितंबर को मुनव्वर को धमकी मिली कि उनकी जान को खतरा है। यह खबर जैसे ही फैली, दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। मुनव्वर को स्टेडियम में सुरक्षा दी गई और मैच को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन असल में यह खतरनाक स्थिति तब शुरू हुई जब यह पता चला कि